पहले तो फिल्म के बारे में बताता हूँ। ये फिल्म बेसिकली क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर है। पूरा थीम ही सेव द एनवायरनमेंट है। आज की डेट में कंज्यूमरिस्ट कल्चर में, ग्रीड में, लालच में ह्यूमन बीइंग्स और हम सारे लोग कैसे बदलते जा रहे हैं। वी डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट। उसके लिए एक अवेयरनेस बढ़ाने का ये एक प्रयास है। सो द यूएसपी ऑफ द फिल्म इज इट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर फिल्म। ये हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं फ्रॉम साउथ, तिरुमाला रघु जी। स्टोरी स्क्रीन प्ले मेरा ही है, दैट इज आदित्य ओम्स। सो आई हैव प्लेड द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म। सो माई कैरेक्टर इज ऑफ अ लॉयर हु इज आर्ग्यूइंग फॉर अ कॉरपोरेट कंपनी टू कट अ फॉरेस्ट। तो फिर इस लॉयर को कुछ एक्टिविस्ट, कुछ ग्रीन वॉरियर्स, कुछ एनजीओ जैसे लोग कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसके साथ क्या क्या करते हैं, दैट इज द होल स्टोरी। और फिर एंड में क्या होता है वो तो फिल्म देखने पे ही पता चलेगा। तो ये जो जैसा आपने कहा कि ये सारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं हमारी बहुत कम हैं, बट हमारी ग्रीड की वजह से वी आर स्पॉइलिंग द एंटायर प्लानट। ये बात सबको पता है, अनकंट्रोल्ड कंज्यूमरिज्म की वजह से। सो ये ट्रेलर, ये फिल्म उसी के बारे में है। इट इज़ एन ऑफ बीट फिल्म, इट्स नॉट अ वेरी मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल फिल्म। एक एक्सपेरिमेंट है विच वी होप कि शायद ऑडियंस को अच्छा लगे। जी हमने यू विल बी सरप्राइज्ड, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 4 ईयर्स वी शॉट दिस फिल्म। हाँ, सो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स वी शॉट दिस फिल्म। और क्योंकि हमको सारे सीजन्स भी कैप्चर करने थे, हमको बहुत सारे फॉरेस्ट भी कैप्चर करने थे, तो हमने नेपाल के जंगलों में भी शूटिंग की है, हमने साउथ के जंगलों में भी शूटिंग की है, जिन जंगलों को आपने शायद पुष्पा और बाहुबली में देखा होगा। हमने गुजरात में रन ऑफ कच्छ में भी शूटिंग की है, वो विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। हमने श्रीलंका के जंगल्स में भी शूटिंग की है और इंडिया के कुछ और अननोन जंगल्स और रिमोट लोकेशंस पे हमने शूटिंग की है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स एंड बिकॉज ऑफ ऑल्सो सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, दिस फिल्म टुक 4 ईयर्स टू मेक। तो ये लोकेशंस थी हमारी। गाजी जी, आप कुछ कह रहे थे? ये बहुत ही मुश्किल काम था। हाँ, ये बहुत, देखिए एक्चुअली इट इज़ एन ऑनर एंड इट इज़ अ प्रिविलेज कि हिंदी में मुझे कम लोग जानते हैं, फॉर मी टू कम एंड टेक दिस कैरेक्टर। सो एक तरीके से तो ये बहुत मुश्किल भी काम था, लेकिन बट आई रियली रिलिस्ट इट, बिकॉज ये हर एक्टर का एक ड्रीम होता है। एवरी एक्टर ड्रीम्स ऑफ सच एन ऑथर बैक रोल, एंड फिल्म्स आर नॉट ओनली फॉर 1 मंथ 1 डे। फिल्म्स आर, सर्टन फिल्म्स आर फॉर पॉस्टेरिटी। कुछ फिल्में हमेशा के लिए रहती हैं और मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये फिल्म भी हमेशा के लिए रहेगी। मेरे लिए फिल्म में इमोशन और इमोटिंग उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल उन जंगलों में अपने स्टंट्स खुद करना था विदाउट एनी बॉडी डबल। हम लोगों की मेकिंग भी जल्दी रिलीज होगी तो आप मेकिंग में देखिएगा, विदाउट एनी बॉडी डबल। वेदर इट वॉज अंडर वाटर सीक्वेंसेज, वेदर इट वॉज क्लाइंबिंग ट्रीज, वेदर इट वॉज फॉलिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, वेदर इट वॉज गोइंग इन अ डिच, वेदर इट वॉज यू नो आई ट्राई टू डू इट इन ऑल ह्यूमिलिटी। और फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था, मोर देन इमोशनली, बिकॉज आई हैड टू गो थ्रू ऑल दोज हार्डशिप्स। और जंगलों में कुछ भी हो सकता है जैसा आप लोग जानते हैं। जितने हमको इस फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा लगा, डायरेक्शन अच्छी लगी, आपकी एक्टिंग अच्छी लगी, लेकिन डायलॉग कोई सुनने में नहीं आया। ये अभी जो हमने ट्रेलर रिलीज किया है इसमें कोई हमने डायलॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये फिल्म एक बाइलिंगुअल है, हिंदी और तेलुगु में है। तो इसका अभी एक ट्रेलर 2 रिलीज होगा जो हिंदी डायलॉग्स होंगे, फिर एक ट्रेलर 3 रिलीज होगा जिसमें तेलुगु डायलॉग्स होंगे। अभी फिल्म क्या है, फिल्म का थीम क्या है वो बताने के लिए हमने ये ट्रेलर 1 रिलीज किया है। He's also the director, producer as well as director. Thank you everyone for coming here. And this movie is produced by me and my partner, Mr. Venkateshwar Rao Dagu. And I myself directed this movie. And definitely for your question, I felt very, very happy after, coming out of the picture in the shape. Before that, without Mr. Aditya Om, this movie has having no meaning. Technically, maybe I did a lot of work, but still, without him, there is no meaning for that movie. And it's completely about that, climate change related.
okay, so who is completely against to the nature, who realizes that the nature is a part of a person. Without that, we are not. There is no existence for us. So that is a concept. Really, we felt good for making, you know, after making up this movie. Before whatever we are confident and the same, we felt good after coming out of the, you know, the output. And as a director, how was the experience working with it? It's wonderful. I can't, you know, tell. I mean, actually, I don't have an experience to tell about his, you know, experience or nothing. He is the best person, more than actor. He's a down-to-earth guy. He knows the pain of the producers. He knows the pain of the people. And on the sets or off the sets, he's very down-to-earth, very friendly. He know the, you know, everything about, you know. Is he a director? 100%. I can tell the industry, you know, going to make much more movies with him, and we are going to see a lot of more, you know, which is the talent is still, it is there. The people should direct us to shake up from him, and you're going to see in a coming time. This year we had Banda, very good. Now, how much you are expecting for Banda? To be honest, I'm just, this is the first movie. I'm not able to compare with you know, any other movies, because I need to travel. Definitely this is going to change a lot of people's mindset. In terms of more than the financially or commercial talks, I don't want to tell about that, but people will realize it, people will know about that life and its important, the nature, and that way we are going to make definitely a remarkable signature. That's I'm sure about. थोड़ा लुक का प्रॉब्लम होता था, बट क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट वगैरह इसीलिए होते हैं. लेकिन एक जो चीज़ थी विच रघु जी विल सेकंड, की फिल्म थोड़ी सी नॉन लीनियर है, मतलब एक उसमें नहीं जाती है, पैरेलली चलती है. दो तीन स्टोरी लाइन्स पैरेलली चलती हैं जो एंड में आके मिल जाती हैं, इसलिए हमारे लिए वो आसान था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स गेटिंग गोइंग, बिकॉज बहुत रीशूटिंग भी हुई है फिल्म की. मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, एक बार हमने शूट किया था और हम जंगल में थे, और 3 दिन की हमारी शूटिंग का बैग बंदर लेके चले गए. ये सुनने में बहुत कॉमेडी लगती है, लेकिन इतने सारे इक्विपमेंट और इतनी सारी चीज़ों, और वो पूरी हार्ड डिस्क को बंदर ने कभी वापस ही नहीं की, और वो कहाँ गया बैग हमको किसी को नहीं पता था. तो देयर वेयर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. एज एन एक्टर देखिए क्या होता है कि ये नया ट्रेंड है, क्योंकि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ साउथ में भी, मुझे 20 साल हो गए. ये एक नया ट्रेंड है कि हम लोग मतलब पिछले 10-12 साल में है कि एक शेड्यूल में फिल्में कंप्लीट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर जो थोड़े मेरे जैसे ओल्ड टाइमर्स होंगे, हू वर बॉर्न इन 90s एंड ऑल, तो उनको पता होगा पहले जो फिल्में बनती थी वो 3-3, 4-4 साल नॉर्मली ले ही लेती. सो बट ठीक है, देवर चैलेंजेस. सो इट इज लाइक दैट. सो It was quite a challenge. जी, किसके बारे में? No, there are no songs in the film, but there is a theme song which will release just before the release of the film. The theme song is all about. Yeah. The theme song is all about how everyone is a captive today. हर आदमी कहने को free होता है, लेकिन हम माँ के पेट से लेकर बचपन तक हम बंधे ही रहते हैं, किसी ट्रेडिशन में बंधे रहते हैं, किसी रिलेशन में बंधे रहते हैं, शायद अपनी EMIs से बंधे रहते हैं, शायद अपनी डिज़ायर से बंधे रहते हैं, शायद अपनी ज़रूरतों से बंधे रहते हैं. तो इस थीम पे हमारा एक सॉन्ग भी है जो रिलीज़ के पहले, वी आर होपिंग फॉर अ मार्च रिलीज. सो थिएट्रिकल होगी फिल्म रिलीज, बट मेनली OTT पे रहेगी जैसी आजकल होती है. ठीक है, सो दैट विल बी देयर. Yeah, already my partner already speaking all the words. I don't have any words. Next time I will prepare. It's a very good. All magic goes to Aditya Om sir and team. Thank you. We'll be missing heroine also. Yeah, actually in the film the heroine has not come, but actually in the film there is a constant female voice. So south mein to ek known actress ne kiya hai. Yahan par bhi. But she was not able to come today. But another voice which was throughout there in the film, or jisne puri acting ki hai, that is Akbar Sami. He does not need any introduction. He is India's most famous DJ. So his voice is there throughout the film. I would like Akbar, please. कैसा experience था आपकी आवाज दी गई है फिल्म
मेरा तो ये सेकंड एक्सपीरियंस है इनके साथ में, आदित्य ओम सर के साथ में. एंड एक होता है कि थोड़ा सा मैं हट के थोड़ी सी बात करूँगा कि एक होती है फिल्म मेकिंग, एक होती है फिल्म मेकिंग सिनेमा मेकिंग, सिनेमा जिसको बोलते हैं कि समझना सिनेमा क्या है, जो आज हम लैक कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में. आप देखते होंगे मूवीज जो थी पहले की, इन्होंने कहा कि ओल्ड स्कूल. ओल्ड स्कूल मैं नहीं मानता, मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ उनके साथ इस बात, क्योंकि एज नहीं होती है सिनेमा की मेरे ख्याल से. मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, देयर इज नो एज. एंड ये जैसा कि मैंने कहा कि सेकंड मेरी ये फिल्म है इनके साथ, ये जो मैंने इस पर तो सिर्फ वॉइस दिया, एक और एक फिल्म है जो बताएंगे इनको बाद में. तो ये एक्सपीरियंस जो मेरा जो रहा इनके साथ में, विच वॉज माइंड ब्लोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. एंड मुझे ऐसा लगा काम करके इनके साथ कि ये फिल्म बन रही है, यू नो देयर इज अ फिल्म विच इज undergoing, there is an interest, there is a total 100% involvement in the story, in the actors, chote chote props ke andar, ek expression ke upar, ek chota sa expression jo aaj koi nahi dekhta, aaj dialogue set pe likhe jate hain last minute. To ye isko main, if you ask me frankly, I don't call it filmmaking. So we are lacking these kind of legendary people, I would say, and I'm proud to be associated with him. And sitting next to him and giving this talk to you. अतिथि जी के साथ हमारी ये पांचवी फिल्म है साथ में. साउथ की फिल्में हमने काफी की हैं. हाँ, और हर बार कुछ अलग ही लेके आते हैं, तो इसमें भी अच्छा है. आप सुनो, अच्छा है. थीम सॉन्ग के बारे में बोला है, वो भी अभी पता चला. इनके साथ कभी भी कुछ जज नहीं कर सकते कि भैया क्या लेके आने वाले, क्या होगा आगे. प्रमोशन सॉन्ग है. थॉट प्रोसेस में तो भैया ने बोला था कि थीम बनाएंगे, थीम के हिसाब से करना, और थ्रिल बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक, तो पहले से ही वो ही था कि तीन थीम बनाने वाले हैं. क्या होगा, डायरेक्टर जी ने ही बताया था कि एक थ्रिल बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म में. तो हर एक कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर है तो वो वाइस है, मतलब रोमांस भी है और उनके बाद जो थ्रिल होता है वो भी है. तो वो समझ के पूरा किया था. फिल्म का एडिटिंग करना तो कोई भी फिल्म चैलेंज ही होता है, पर इस फिल्म के साथ कुछ ज़्यादा था, क्योंकि आपके पास फुटेज बहुत सारे हैं और सारे फुटेज को सर्च करना, और क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी बहुत है कि 4 साल हो गया है, तो आपको हर जगह के अच्छे पोर्शन और सब सर के साथ. सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके लिए कोई भी एनजी टेक नहीं, सारे ओके टेक थे, उसमें से आपको निकालना है. तो वो सर के ये है कि वो भी इतने दिन बैठे एडिट में, हम हैदराबाद भी जाते थे, ये बम्बई भी आते थे करने के लिए, तो वो एक प्रोसेस था. और पहले हम लीनियर कोशिश किए थे सर के साथ बैठ के, लीनियर वर्क नहीं हुआ, फिर नॉन लीनियर करके देखे, तो वो एक एक्सपीरियंस था और हर बार अच्छा लगा. मतलब कि आप जैसे जैसे काम करते जाते हो और आप उसमें घुसते हो काम में, तो आपको मजा आने लगता है. कई बार सिनेमा कैसा होता है कि हम सिर्फ देखते हैं, कि आजकल जैसे कई डायरेक्टर यहाँ पे जो होते हैं वो ओके टेक बोल देते हैं, ये मेरा ओके टेक है, इसको लगा लेना, यही है, इसके अलावा तुम नहीं करोगे. यहाँ पर इन्होंने एडिटर को ये आज़ादी दी कि तुम भी सोच सकते हो तुमको कौन सा शॉट लगाना है. नहीं तो यहाँ पर कमोबेश कोई भी डायरेक्टर एडिटर को ये आज़ादी नहीं देता है, कहता है कि तुम करो पर करने नहीं देता है. वो बोलता है कि ये क्लोज लगेगा तो क्लोज ही लगेगा. तो ये हमारे साथ आजादी थी डायरेक्टर के साथ कि आप कर सकते हैं, कहानी को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं. तो वो सारी चीजें थी और वो हमने किया, और उसी का रिजल्ट है जो आज हम लोग को लग रहा है कि ये फिल्म हम जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा पहुंच गया. अगेन क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर. वो शॉट एक आप लोगों को एक बहुत फेमस स्कल्पचर है थिंकिंग मैन का, एक ग्रीक स्कल्पचर है थिंकिंग मैन जो बैठ के न्यूड बैठा है, तो उससे वो इंस्पायर्ड है ऑफ कोर्स. तो वो हमारे डायरेक्टर ने कहा कि आदित्य तुम ये कर पाओगे कि नहीं. हम लोग जंगल में थे तो मैंने कर दिया. जी हाँ उतना ही है. तो हम लोग जंगल में थे, तो इट वॉज सो बट द
बेस्ट पार्ट वॉज दैट वी हैड टू शूट इट एट अ स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि उसमें आप जो भी देख रहे हैं उसमें कलर करेक्शन भी ना के बराबर है. हमको वो सुबह सुबह ही कैप्चर करना था. वो मुश्किल से उस तरह की लाइटिंग, उस तरह का फॉग, वो मुश्किल से 10 या 15 मिनट होता है. तो हमने दो कैप सर हमने दो कैमरेज का यूज़ किया करके वी यूज दैट एंड वो इट सिग्निफाइज द एंटायर फिल्म. वो एक फिल्म का क्लाइमेक्स है, यू नो. तो आई थिंक आई होपफुली इट विल क्रिएट सम प्रोसेस एंड सम थॉट. The film's duration is less than 2 hours because being a single, yeah, being a single actor film, we cannot extend it, you know. So, or the format is thriller format. So, usko hum bahut extend nahi kar sakte. Hamara content kitna bhi mazboot ho, we cannot extend it. So, I think it is between 90 to 100 minutes. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है किसी बड़े corporate house. हम लोग वैसे ही वी आर स्मॉल फिल्म मेकर्स. हमारे सामने बड़ी वो प्रॉब्लम्स होती है तो हम जो है उसमें फिर वी स्मॉल फिल्म मेकर्स कैन नॉट टेक एनी पंगास. बट ये क्या है कि दिस इज यू नो एक जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स पे भी जाओ तो देर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज फिल्म्स. आज पूरी दुनिया में अवेयरनेस है. लियोनार्डो डी कैप्रियो का मेन काम क्लाइमेट चेंज पे है. उन्होंने रेवेनेंट भी जो बनाई थी एंड सो ये इंडिया में भी इस तरह की फिल्में बनी हैं. कड़वी हवा भी शायद हिंदी में जो संजय मिश्रा जी की आई थी वो भी थोड़ा सा क्लाइमेट के बैकग्राउंड पे ही थी. तो ये एज अ कॉन्शियस फिल्म मेकर एंड अ स्मॉल फिल्म मेकर वी वांट टू डू स्टफ एज रघु जी सेड वी वांट टू डू स्टफ व्हिच विल बी स्टेइंग इन पब्लिक्स माइंड फॉर लॉन्ग एंड व्हिच कैन बी फाइनेंशियली वायबल आल्सो. यू नो जिसमें रिस्क कम हो लेकिन इट कैन बी देयर फॉर लॉन्ग.